दोस्तों आप कनाडा आ चुके हो और जॉब सर्च कर रहे हो या कुछ टाइम में कनाडा लैंड होने वाले हो, तो जॉब सर्च के लिए जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं तो उनके रिलेटेड एक वीडियो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले बनाई थी कि कनाडा में आकर सर्वाइवल जॉब कैसे सर्च करनी है और कौन कौन सी सर्वाइवल जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैनेडियन रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होता है, उनमें कौन कौन सी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, उसके अलावा कि मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्टकट मेथड भी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी कनाडा की जॉब सर्च जर्नी है वो काफ़ी आसान होने वाली है। मैं हूँ आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैनेडियन जॉब मार्केट की। तो देखो कैनेडियन जॉब मार्केट है वो ऐसे काम करता है कि जैसे जो भी जॉब यहाँ पर अवेलेबल है तो वो जॉब के लिए जो जो ड्यूटीज़ होती है वो सारी ड्यूटीज़ आपके रेज्यूम के अंदर मैच होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक जॉब के लिए कम से कम 100 से 200 रेज्यूम आते हैं, तो कोई यहाँ पर कोई ऐसे आदमी फ्री नहीं होते हैं कि कोई जाकर वो रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करे और उसके बाद वो रेज्यूम कैसे बेस्ट मैच करता है उसके हिसाब से कोई काम नहीं करता है। वैसे यहाँ पर एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो भी जॉब ड्यूटीज़ के रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स मैच होने चाहिए, मतलब कि जो जॉब ड्यूटीज़ के कीवर्ड है उसके और आपके रेज्यूम में आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ आपने करी है वो सब कीवर्ड्स मैच होने चाहिए, तभी आपको जॉब इंटरव्यू का कॉल आएगा। रेज्यूमे के अंदर जो भी जॉब ड्यूटीज़ है वो मैच करती है तो उसके बाद उनका जो कुछ क्राइटेरिया होता है कि कुछ कीवर्ड्स आपके मैच होने चाहिए, तो वो कीवर्ड मैच करने के लिए आपको जो भी जॉब ड्यूटीज़ है वो जॉब ड्यूटीज़ आपको ऑनलाइन सर्च करनी पड़ेगी। और उसका बेस्ट वे ये है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि वॉलमार्ट में कोई कैशियर की जॉब अवेलेबल है और कैशियर की जॉब के लिए उन लोगों ने जो जो जॉब ड्यूटीज़ वहाँ पर मेंशन की है तो आप उसी उनमें से ही बेस्ट जॉब ड्यूटीज़ है उनको कॉपी करके आप अपने रेज्यूम के अंदर अपलोड कर सकते हो। कैशियर के रिलेटेड या सर्वाइवल जॉब जो भी अवेलेबल है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो तो अगर आपने कभी पार्ट टाइम किया है कॉलेज के टाइम पे या कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पर गए थे तब भी आप वो रेज्यूमे के अंदर आप वो एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। तो उसकी मदद से क्या होगा कि आपका जो भी फील्ड टेक्निकल फील्ड है या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड हो गया सर्वाइवल जॉब के लिए वो दोनों ही जॉब ड्यूटीज़ आपकी मैच करेगी, इंटरव्यू के लिए कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जॉब ड्यूटीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी छोटी से छोटी जॉब है जैसे कि क्लीनिंग की जॉब हो गई, वैसे कनाडा में कोई भी जॉब बड़ी या छोटी नहीं होती है, यहाँ पर जो इंजीनियर आते हैं डॉक्टर आते हैं नर्स आते हैं फार्मासिस्ट है कोई भी टेक्निकल फील्ड से आता है उनको स्टार्टिंग में सर्वाइवल जॉब करनी पड़ती है और उनमें से क्लीनिंग की जॉब हो गई, टैक्सी ड्राइविंग हो गई, मैकडी, सबवे, टी मोटन कॉफ़ी शॉप, कोई भी सर्वाइवल जॉब स्टार्टिंग में करनी पड़ती है और यहाँ के लिए वो जॉब कोई बड़ी या छोटी नहीं होती है। और बेस्ट जॉब ड्यूटीज़ आपको गूगल सर्च करके फिर उसको अपने रेज्यूमे के अंदर रखना वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जब कीवर्ड्स मैच होते हैं तब ही इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे एक महीने के अंदर ही सर्वाइवल जॉब मिल गई थी, हालाँकि वो दूसरी सर्वाइवल जॉब थी उनके मुकाबले काफ़ी अच्छी थी और हालांकि वो सीजनल जॉब थी तो उसकी वजह से मैं अभी वो जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आया मुझे सिर्फ एक महीने के अंदर ही जॉब मिल गई और मेरे साथ ही मेरे एक फ्रेंड थे तो उनको 3 महीने तक जॉब नहीं मिली। जब उनको मैंने रेज्यूमे के बारे में बताया कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो मैच तो कर रहा था लेकिन जॉब ड्यूटीज़ के कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे, तो उनको मैंने जॉब ड्यूटीज़ सर्च करके फिर वो रेज्यूम उनको मैंने प्रिपेयर करके दिया, तो जैसे ही उन्होंने वो रेज्यूम वॉलमार्ट के ऊपर अप्लाई किया तो उसको नेक्स्ट जो भी वैकेंसी अवेलेबल थी उनके लिए उनको इंटरव्यू कॉल आ गया और उसके बाद उनकी वॉलमार्ट में जॉब भी लग गई। तो ये इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसे आप यूज़ करके आप जॉब सर्च की जो जर्नी है उसको काफ़ी श्रिंक कर सकते हैं। आप कैनेडियन रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रेज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको साइड में एक फ़ोटो तो दिखा रहा हूँ, तो उस तरह से आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। और मैं आप रेज्यूमे के लिए आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल प्रोफेशनल जो रेज्यूमे है वो आप बिल्ड कर सकते हो और वो भी फ्री में, और ये कोई ऐप का स्पॉन्सरशिप या कोई रिव्यू नहीं है, मैं बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिसकी मदद से आपको भी ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है
उसका नाम है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उसको यूज़ करके आप अपना प्रोफेशनल स्टाइल का एक रेज्यूमे बिल्ड कर पाओगे। और ये जॉब सर्च है वो आप इंडिया में हो तो वहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे लोग रेकमेंड करते हैं कि आप वहीं से ही अपनी जॉब सर्च की जर्नी स्टार्ट कर दो, लेकिन कैनेडियन जॉब सर्च है वो इस तरह से काम नहीं करता है। आप यहाँ पर जब तक प्रेजेंट ना हो तब तक आपको अप्लाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कल भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए और आपको वो कॉल मिस करना पड़े। इससे अच्छा ये सॉल्यूशन निकलता है, आप जब यहाँ पर आने वाले हो तो जब तक ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है तब तक आपको 14 डेज के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो क्वारंटीन टाइम का जो आप यूटिलाइजेशन करके आप सिम कार्ड खरीद कर आप एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड खरीद सकते हैं, और फिर आप अपनी जॉब सर्च जर्नी है उसको आप अपने घर पे आने के बाद 14 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेज्यूमे का जो स्टाइल मैंने आपको दिया है तो, और रेज्यूमे के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, तो उसकी मदद से आपका जो रेज्यूमे बनेगा वो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगा। और दूसरे जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें से कुछ डिस्टिंक्ट निकल के भी आएगा कि आपका कुछ रेज्यूमे कुछ थोड़ा अलग है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर मतलब कि आप कनाडा पहुँच गए और जॉब के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी ड्यूटीज़ भी काफ़ी सारी मैच कर रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको फॉरेन इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाएगा, क्योंकि ये कुछ मेथड्स है और यहाँ का जो जॉब मार्केट है वो इस तरह से काम करता है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप कैसे अप्लाई करके आप जॉब ढूंढ सकते हो। लेकिन कई कई बार ये होता है कि आप जॉब्स के लिए काफ़ी सारी अप्लाई करो लेकिन फिर भी कुछ वैकेंसी ना आए, या फिर उनके कुछ सिस्टम की मदद से आपको इंटरव्यू कॉल ना भी आ सकते। तो कनाडा आने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपना रेज्यूमे ऐसे बिल्ड करो कि कम से कम आपको जॉब इंटरव्यू का कॉल आ जाए, क्योंकि अगर आप 100 जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हो सकता है उसमें से 5 या 10 जॉब्स के लिए ही आपको इंटरव्यू का कॉल आए। बाकी जो एम्प्लॉयर्स है वो आपका रेज्यूमे देख लेते हैं, और कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जो वैकेंसी है इन लोगों को क्या करना पड़ता है, लेबर मार्केट के लिए उनको अपनी जो वैकेंसी होती है उसको पोस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो पोस्ट फिल करते हैं वो इंटरनली फिल कर लेते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरनली फिल हो जाती है, तो उस टाइम पे कोई एक्सटर्नल बंदे को इंटरव्यू का चांस नहीं मिलता है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, और क्या क्या आपके क्वेश्चन है वो भी आप बता सकते हैं, हो सके मैं उतना आपको जवाब देने की ट्राई करूँगा। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कनाडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही वीडियोज़ में आगे पोस्ट करता रहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं आगे और एक नए वीडियो में।